देखो जेड़ा ये घटना वापरी है, अगर इस घटना ध्यान न सारी सारी घटनाक्रम जोड़िया जाए अंदोलन न तो बहुत सारिया गल समझ आनगिया। जिमे कि पिछले आ जी आप 26 तरीक न भारत बंद की कॉल दी गई सी, पीसफुली हुई है, कितने कोई रौला नहीं, किसी का कोई झगड़ा नहीं गा, बिल्कुल शांतिपूर्वक सारा उसरे चढ़िया और पूरा भारत मतलब बंद होया वधिया तरीके। हुण अजिहा समयां दे विच जदों इन्ना पीसफुली कोई प्रोटेस्ट होया होवे और बीजेपी की लीडरशिप जिहड़ी पंजाब की खास करके लीडरशिप है उन्हां दी बयानबाजी जिहड़ी आ रही है वह तुसीं सारिआं ने मतलब देखी है कि किस तरह मतलब अजिहे प्रोटेस्टां नूं भी मतलब टेढ़े ढंग दे नाल ते कोई अजिहे बयान देने कि लोकां नूं दे विच जिहड़ी प्रोवोकेशन नूं वधाउण दी कोशिश करनी, लोकां नूं भड़काउण दी गल करनी, अजिही मतलब जिहड़ी गल है ये लगातार मतलब पंजाब की जिहड़ी लीडरशिप है ये पता नहीं क्यों कर रही, समझ नहीं आ रही सानूं तां इस गल दी। और अगले पासे इहदे नाल ही एक गल होर बड़ी वड्डी है कि परसों गुजरात दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप गई है और उत्थे जदों लीडरशिप गई है उत्थे ज्ञान नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विचों सरकार ने अरैसट किया। अगर उहदे नाल साडे लोकां दे अंदर एक गुस्सा वध रहा है, अजिही बयानबाजी नाल एक गुस्सा वध रहा है, लगातार मतलब अंदोलनकारियां नूं तरह तरह का मतलब दोष लाए जाने उहनां नाल लोकां दे अंदर एक गुस्सा भड़क रहा है, ये उस गुस्से का सिट्टा मैं तां कहूंगा लोकां दे अंदर एक जिहड़ा नावा बनिया खड़ा है गुस्सा बीजेपी की लीडरशिप के खिलाफ, वह उस गुस्से का उस रोस का सिट्टा सी जिहदे करके ये सारा कुछ होया है। हालांकि असी ये देखिया है कि जिहड़ी मैं इहदी वीडियो देखी है, मैं जो सुने जिवें दी गल कि साडी जिहड़ी लीडरशिप उत्थे मौजूद सी इत्थों मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे प्रधान सरदार सुखदेव सोहनी उन्होंने कहा कि भई नहीं कोई अजिही घटना नहीं करनी गी, किसी ने किसी नूं हथ तक नहीं लाउणा गा, सारिआं ने मतलब शांति बना के रखनी है। हुण शांति बना के रखण तक कहने के बावजूद भी लोगों का भड़क जाना यह अपने आप के एक तरह का लोगों का जो अंदर गुस्सा खड़ा सीगा लगातार इन्हों की लीडरशिप के बयान तो तंग आके वह गुस्से का ही ये सिट्टा है जोड़ा कुछ होया है। और यह गल ठीक है कि जोड़ा ये होया है इन्ना नहीं होना चाहिए, इस संयुक्त किसान मोर्चे का जोड़ा जी कौल है वह यह है कि आप मतलब बीजेपी का विरोध करना, इन्हों के खिलाफ विरोध दर्ज करवा है, जे उस तो अगे लंघ के जाके जिहड़ा कुछ होया असी भी सारे मतलब महसूस करते हैं कि यह नहीं सी होना चाहिए, जिन्ना हो गया बहुत हदां बन्ने टप के हो गया, लेकिन यह लोगों के गुस्से का सिट्टा है, ना कि मतलब इनू यह कहना कि भी किसी ने मतलब कोई जान के कोई जैलसी नाल करन वाली गल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो एक लोगों का जिहड़ा रोस है लोगों का गुस्सा है और बड़े लंबे समय तो हम देखो 4 महीने का आपां मतलब उत्थे बैठे हो गए, इन्ने लंबे समय के लोगों की गल ना सुनी जानी ये भी एक तरह का लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा मतलब बड़ी एक पंड बनी पई है गुस्से की, वह सारिया जारिया गल् कट्ठिया हो रही हैं, उन्होंने गलों के लोगों के अंदर नाराजगी है और उस नाराजगी का जोड़ा रिजल्ट है वह अपन इतने मतलब सामने नजर आया है। पर फिर मैं बेनती करा कि जिहड़ा ये होया बीजेपी की लीडरशिप नूं भी सियाणा होने की लोड़ है कि अजिही बयानबाजी करन तों थोड़ा जिहा गुरेज कर, क्योंकि पंजाब कल्ला पंजाबियों का साडा कल्यां दा नहीं हैगा, किसानां दा नहीं है, जिन्नी बीजेपी की लीडरशिप भी पंजाब च बैठी है किते भी बैठे हां, असीं भारत के लोग हाँ भारती हाँ, साडा सारिआं दा फर्ज बनता है कि पंजाब के हालातों नूं आपां शांत रखिए, ठीक रखण दे विच योगदान पाइए, कोई अजिही बयानबाजी करनी बिना गल तो अजिही बयानबाजी करी जानी जिहदे नाल मतलब लोगों को गुस्सा भटके तो वह मैनूं लगता कितें ना कितें पंजाब दे हालातों नूं खराब करन वाली गल बनदी है। तो फिर मैं कहूँगा कि जिहड़ा साडे मतलब इत्थे घटना वापरी है वह ठीक नहीं वापरी, वह एक मंदभागी घटना है, वो ठीक नहीं रही। सत श्री अकाल, प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नूं लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।